हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोचन कश्यप और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और बाकी की जितनी भी काउंटिंग है वो सब हमारे होल नंबर्स होते हैं। और अब आप कैसे याद रखोगे कि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं या 1 से शुरू होता है, आप कैसे याद रखोगे? अब यहाँ पे होल नंबर्स, होल नंबर्स में होल की जो स्पेलिंग होती है उसमें HOLE होल आता है। तो होल होल मतलब छेद, और छेद कैसा होता है? गोल। तो ये गोल होता है, तो आप समझ जाओगे कि गोल है तो यानी कि जीरो भी हमारा गोल है, यानी कि वो जीरो से ही शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और जितनी भी काउंटिंग होती है 100, 1000 वो हमारे सब होते हैं होल नंबर। और आप एक और तरीका मैं बताऊंगी कि आप होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे याद रखोगे होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं होल, होल को हम कहते हैं पूरा, पूरे पूरा। तो होल नंबर से यानी कि पूरी संख्याएं, और पूरी संख्या जितनी भी संख्या यानी कि जीरो से शुरू होती है सारी संख्या, तो जीरो से लेके एंड तक जितनी भी काउंटिंग है वो हमारे होल नंबर्स हैं। आप ऐसे याद रखोगे कि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं। और मैं आज आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.A। तो एक्सरसाइज 2.A में है प्रेडेसेसर और सक्सेसर। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं। तो आप सब ने बचपन में UKG फर्स्ट सेकंड क्लास में व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर तो पढ़े ही होंगे। तो ये जो प्रेडेसेसर और सक्सेसर हैं ये वही हैं, इनके व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर ही हैं। ये है हमारा व्हाट कम्स बिफोर और ये है हमारा व्हाट कम्स आफ्टर। तो इसमें प्रेडेसेसर है व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि इसमें एक पिछला मतलब इसमें एक घट जाता है, ये है व्हाट कम्स बिफोर। और सक्सेसर में एक बढ़ जाता है, यानी कि ये है व्हाट कम आफ्टर, ये है व्हाट कम्स बिफोर और सक्सेसर है व्हाट कम्स आफ्टर। और अब आप कैसे याद रखोगे कि सक्सेसर में बढ़ता है या सक्सेसर में घटता है, या प्रेडेसेसर में बढ़ता है या प्रेडेसेसर में घटता है? तो पहले प्रेडेसेसर में शुरू में आता है PRE, ठीक है, और इससे प्री से होता है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, यानी कि पहले। बिफोर का मतलब भी होता है पहले। थ्री से पहले क्या आता है ये हमें बताना है। तो यही प्रेडेसेसर में होता है। प्रेडेसेसर में अगर कोई भी डिजिट आता है तो उससे पहले का हमें बताना होता है। जैसे आया हमारा 100 और इसमें बोला है प्रेडेसेसर बताना है, तो बस इसमें एक आप घटा दोगे या इससे एक पहले का लिख दोगे तो आंसर आएगा 99। और अगर हमें 100 का ही सक्सेसर निकालना होता है, यानी कि उसके बाद वाला, आफ्टर यानी कि बाद वाला, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे यानी कि एक बढ़ा देंगे तो 101 हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है प्रेडेसर और सक्सेसर क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या आया है? सक्सेसर, और सक्सेसर में आफ्टर बताना है, इनकी बाद वाला बताना है। उसमें क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पहला समय हमारा 100 का सक्सेसर निकालना है, तो इसमें हमें बार बार डिजिट लिखनी है, तो +1 कर देंगे और 100 में एक हमने प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 101। तो ये इसका सक्सेसर है, ऐसे निकलता है। एंड सेकंड सम है वो है 7500, उसमें सक्सेसर निकालना है, तो इसमें प्लस हम कर देंगे 1 एंड 7501। थर्ड है हमारा 8888, प्लस कर देंगे 1 क्योंकि है सक्सेसर, सक्सेसर में आफ्टर आता है, इनके बाद वाला डिजिट आती है, तो इसमें आएगा
889। बस एक ही संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें 1 प्लस करना था। तो मैंने आपको सक्सेसर बता दिया, आई होप आपको सक्सेसर समझ में आ गए होंगे। सेकंड, अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट द प्रेडेसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या निकालना है, प्रेडेसेसर लिखना है इसमें, और उसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस यानी कि पिछला, पहले। तो पहला समय 8000, इसमें से 1 हमने सक्सेसर में 1 प्लस करा था, इसमें प्रेडेसेसर में हमें 1 माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 1, तो हमारा आंसर आएगा 7999। तो ये है हमारा प्रेडेसेसर। सेकेंड जो सम है उसमें लिखा है 201, इसमें क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 200। थर्ड है हमारा 5,898, हम इसमें 1 जो है माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,897। उसमें हम मतलब एक डिजिट जो है प्लस करते थे, इसमें एक डिजिट माइनस करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें हमें बताना है, यहाँ पे 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का भी सक्सेसर निकालना है। फिर इन्हें क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले लार्जर नंबर ऑफ 4 डिजिट इक्वल्स टू, जो लार्जर नंबर 4 डिजिट का लार्जर नंबर कौन सा होता है, 9999। और फिर इसका सक्सेसर भी बताना है। ऑफ 9999 इक्वल्स टू 9999 का हमें सक्सेसर निकालना था, हमें एक प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। इसके बाद लार्जर नंबर हमारी हो गई, अब हम स्मॉलर नंबर ऑफ 4 डिजिट, अब स्मॉलर नंबर बतानी है 4 डिजिट की। तो स्मॉल नंबर है हमारा 1000, ये लार्जर नंबर 9999 है और स्मॉलर नंबर 1000 है। अब इनका इसका सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर ऑफ 1000। अब 1000 का सक्सेसर बताना है, 1000 प्लस 1 इक्वल्स टू 1001। इसका भी हमने सक्सेसर निकाल लिया, इसका भी हमने सक्सेसर निकाल लिया, तो हमारा आंसर आता है ये। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 10,000 माइनस 1001 इक्वल्स टू 8,999। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 8,999। तो हमने इसका डिफरेंस निकाला। तो मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ
क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का भी सक्सेसर निकालना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हमने सबसे पहले तो लार्जर नंबर ऑफ 4 डिजिट 9999 थी। लार्जर नंबर हमारा 4 डिजिट का लार्जर नंबर है 9999। सक्सेसर निकाल लिया। सक्सेसर में क्या होता है, व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि इसमें से इसमें एक प्लस हो जाएगा तो हमारा 10,000 आ गया। स्मॉलर नंबर है 4 डिजिट का 1,000 और सक्सेसर ऑफ 1,000, 1,000 का सक्सेसर यानी कि एक आगे बढ़ाना है तो 1 प्लस कर दिया 1,000 बना जाएगा। डिफरेंस निकालना है 10,000 में से 1,001 माइनस करना है तो हमारा आंसर आएगा 8,999। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पहले एक लाइन खींचनी है और आप सबको पता है कि जो होल नंबर होते हैं वो ज़ीरो से शुरू होता है, तो इसलिए हम इस नंबर लाइन को भी ज़ीरो से ही शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये डिजिट 4 है इसलिए हमने 4 तक ली है। आप इससे आगे भी ले सकते हो लेकिन ये डिजिट 4 थी तो इसलिए हमने 4 तक ले ली। अब 0 से लेके 4 तक, ज़्यादा आगे बढ़ गया 4 तक, और हमने यहाँ से 0 से लेके हमने 4 तक खींची ना, जिस 0 से शुरू करी थी, तो हमारा यहाँ से जाएगा और एरो यूं ही लगेगा और ये स्टॉप हुई है 4 पे, तो इस तरीके से एरो बनेगा। तो ये सम इस तरीके से होंगे। सेकेंड सम मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड सम है हमारा 12। तो हम पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर ये डिजिट है 12 तो 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये डिजिट 12 इसलिए मैं 12 तक नंबर लिख लिए। अब हमने इसको यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया था 4 में, तो यहाँ पे 0 से लेकर डायरेक्ट 4 पे चले गए थे, लेकिन हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। 0 से 12 पे जाना है तो इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। तो ऐसे हम 12 पे पहुंच गए और एरो हमने 0 से शुरू करा था तो हम एरो ऐसे लगाएंगे। ऐसा आप 4 में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आई हूँ, आप डायरेक्ट भी ऐसे आ सकते हो 12 पे। तो आप 0 से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने 0 से शुरू करा तो एरर ऐसे लगेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 4 में आप ऐसे भी कर सकते हो 4 ऐसे भी कर सकते हो। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, ये दोनों ही तरीके सही हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.8 समझ में आ गई होगी एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग जो है वीडियो देखते हो, ना लाइक करते हो वीडियो को ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, अरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि ये सम्स जो मैंने आज आपको बताए हैं ये आपके फ्रेंड्स भी आपकी तरह सीख सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज़।